मिस्टर पवन कुमार 30 साल के ये पेशेंट हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1 महीने पहले इनके रिलेटिव्स, इनकी माँ थी, कुछ और रिलेटिव्स थे, लेके आए थे मेदांता हॉस्पिटल पटना के इमरजेंसी में। इनकी परेशानी थी कि सिर में सडनली बहुत तेज हेडेक हुआ था और ही वॉज इन कन्फ्यूज स्टेट एट दैट टाइम। सही से बात समझ नहीं पा रहे थे, उल्टी पुल्टी चीज़ें बोल रहे थे, कर रहे थे। तो वी सस्पेक्टेड स्ट्रोक एंड वी इमीडिएटली गेट ए सी टी स्कैन डन। सी टी स्कैन हमने कराया, उसमें सब एरेक्नॉइड हैमरेज था, जो कि एक प्रकार का स्ट्रोक होता है, एक स्पेशल टाइप का हैमरेज है। मेरा नाम पवन कुमार हुआ, घर बेगूसराय। 8 तारीख को हम गए थे जगन्नाथपुरी, वहीं जाके हमको एकाएक क्या हुआ, चक्कर आने लगा, सर में दर्द होने लगा। तो फिर हम पेन किलर खा के वहाँ से आए यहाँ। मेरा नाम अमित कुमार है, मेरा घर बेगूसराय है। मेरे भैया बाथरूम में थे, बाथरूम में गिर गए, उसके बाद वहाँ से दरभंगा मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर इनका जांच हुआ। ठीक है, जांच में पता चला कि इनको तुरंत जो है मेदांता जयपड़वा पटना में भर्ती कीजिए। फिर उसके सीटी में जो फाइंडिंग थी उसके आधार पे हम लोगों ने एंजियोग्राफी की जरूरत समझी और हम लोगों ने उसका DSA किया, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, वो किया ब्रेन का। और उसमें हमें एकॉम एनरिज्म नाम की बीमारी का पता लगा, जो कि उस पेशेंट के अंदर था, और वो एनरिज्म रप्चर हुआ था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में हैमरेज हुआ था। और डॉक्टर संजीव कुमार हैं, न्यूरोसर्जन, वो बताए कि डॉक्टर अम्बुज से आप मिलिए। तो फिर हम यहाँ आए, अम्बुज से मिले, वही सब बताए कैसे ऐसे करना है। तो ये जो बीमारी होती है सेरेब्रल एनरिज्म, इसके लिए 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, एक सर्जिकल क्लिपिंग होता है और दूसरा एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग होती है। सर्जिकल क्लिपिंग में कन्वेंशनल तरीका है, ऑपरेशन करके सिर खुल के जिस हिस्से में बीमारी है वहाँ पहुँचते हैं और एनरिज्म को क्लिप करके सिक्योर करते हैं। दूसरा ऑप्शन एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग होती है, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता है, जांघ के ऊपरी हिस्से में खून की नस में एक नीडल के थ्रू पंक्चर करते हैं और उसी नीडल के थ्रू पतले पतले तार होते हैं उसको ब्रेन तक ले जाते हैं और कॉयल्स को, एनरिज्म के बलून रहता है एनरिज्म, उसके अंदर कॉयल से पैक कर देते हैं उसको, ताकि वो दोबारा फटे ना। डॉक्टर बोले कि जो तुम्हारा ये कॉइल गड़बड़ा गया है। तो दोनों ऑप्शन हम लोगों ने पेशेंट के रिलेटिव्स को एक्सप्लेन किया। जो रिलेटिव्स थे उन्होंने एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग का ऑप्शन चूज किया और देन वी प्रोसीडेड विद दैट ऑप्शन। नेक्स्ट डे ही उनका एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग की यहाँ पे हम लोगों ने। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये एक स्पेशल न्यूरो कैथलर में होता है, जो कि हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। यहाँ आने के बाद डॉक्टर अम्बुज और डॉक्टर मुकुंद जी से बात हुई तो वो बोले इनको भर्ती कीजिए। भर्ती करने के बाद फुल डेट दिया गया ऑपरेशन का। उस समय से हॉस्पिटल में ही रहे, लास्ट फरवरी तक इनका सेंस कवर होने लगा। द पेशेंट स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर अराउंड 7-8 डेज एंड आफ्टर दैट ही वाज डिस्चार्ज इन अ कम्प्लीटली स्टेबल कंडीशन। और जो उनकी बीमारी थी एनरिज्म की, वो अब पूरी तरह से क्योर हो गई। ही इज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर नाउ एंड द पेशेंट वाज डिस्चार्ज ऑन 8th डे एंड ही केम इन फॉलो अप आफ्टर 15 डेज एंड अगेन आफ्टर 15 डेज एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। हमको उम्मीद नहीं था कि शायद ऐसा उपचार यहाँ कहीं, मतलब पूरे बिहार में तो ऐसा कहीं, मतलब वो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। और डॉक्टर अम्बुज और डॉक्टर मुकुंद की जितना तारीफ किया जाए वो कम ही है। व्यवस्था, डॉक्टर, नर्स वगैरह जो भी हैं, अच्छा लगा हमको यहाँ का।